किसान भाइयों, धान की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए धान में जिंक का प्रयोग आप अवश्य करें। किसान भाइयों, जिंक एक ऐसा तत्व है जो धान की फसल में कई सारे फायदे करता है। जिंक के कारण पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। जिंक पौधे को हरा भरा बनाए रखता है और नए नए कल्लों का निर्माण करने में सहायता करता है। धान की फसल में जिंक का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए? जिंक के साथ हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं? मार्केट में जो जिंक की अलग अलग मात्रा आती है, जैसे कि जिंक 33%, जिंक 21% के फॉर्म में भी मिल जाता है। इसके अलावा जिंक 12% जो कि चिलेटेड जिंक के फॉर्म में आपको मिलता है। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि आपको कौन से जिंक का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए और जिंक डालने से धान में क्या क्या फायदे होते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, जिंक एक ऐसा तत्व है जिसका प्रयोग धान की फसल में आपको एक बार जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिंक का प्रयोग आपको धान में कब करना चाहिए। जब नर्सरी तैयार करने के बाद आप धान की रोपाई कर देते हैं, रोपाई से शुरुआत में ही, रोपाई होने से 15 दिन के मध्य मध्य आप धान में जिंक का प्रयोग कर लें। जिंक को आप जब आप यूरिया देते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर भी अपनी फसल में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी जिंक का प्रयोग करना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक 33% के बारे में। अगर आप जिंक 33% का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम मात्रा आपको लेना है। इसके अलावा जिंक 21% के फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। अगर आप जिंक 21% का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी मात्रा आप 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। इसके अलावा जिंक 12% जो कि चिलेटेड फॉर्म में आता है, इसका आपको स्प्रे करना होता है। इसकी जो मात्रा है वो लगभग 150 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं और लगभग 1 या 2 किलो यूरिया में घोल तैयार कर आप इसका स्प्रे भी धान की फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अलग अलग जिंक का प्रयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि धान में जिंक डालने से क्या क्या फायदे होते हैं। किसान भाइयों, अगर धान के खेत में जिंक की कमी हो जाए तो पत्तियों पर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है। जिंक डालने से पौधा हरा भरा बना रहता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जड़ों का निर्माण अच्छे से होता है, पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जिससे फायदा ये होता है कि धान की फसल हरी भरी बनी रहती है, बढ़वार अच्छे से करती है और धान में जल्दी से जल्दी नए नए कल्लों का निर्माण होता है। आप धान की रोपाई के शुरुआती सप्ताह में ही जिंक का प्रयोग कर ले जब आप यूरिया देते हैं, यूरिया के साथ मिलाकर आप जिंक की अगर अलग अलग मात्रा दे रहे हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। धान में जिंक का प्रयोग करने से कई सारे फायदे होते हैं। किसान भाइयों, जिंक की मात्रा में कुछ सल्फर की मात्रा भी मौजूद रहती है, तो आप एक चीज डालने से 2 फायदे ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने धान में जिंक के प्रयोग और फायदों के बारे में बात करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर